we go for our second dose of Pfizer vaccine. अलग अलग प्लीज हम दोनों को अपने मन में रखना, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट ना हो. Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to Kat's World. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं. और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमें दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ अता करें. आमीन सुमा आमीन. जैसा कि आपने स्टार्ट ऑफ द वीडियो सुना होगा कि आज हम अपने सेकेंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीन के लिए आए हैं. हमने अपना फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन भी सेम इसी जगह से लगवाया था और उसका कंप्लीट और डिटेल्ड ब्लॉग हमारे चैनल पर मौजूद है. अगर आपने नहीं देखा तो गो एंड सी इट, यू विल डेफिनेटली लाइक इट. अपने प्रीवियस ब्लॉग ब्लॉग नंबर 9 में हम डिटेल में अपना तमाम तर एक्सपीरियंस, प्रोसीजर और साइड इफ़ेक्ट्स शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी. इसलिए इस ब्लॉग में मैं इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही, लेकिन लेटर ऑन मैं हमारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आफ्टर द वैक्सीन. यहाँ पर अब हमें वैक्सीन लग चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं टिमीस थोड़ी बहुत पेट पूजा के लिए. टिम हॉर्टन इज़ अवर गो टू प्लेस फॉर ऑल डे ब्रेकफास्ट क्रेविंग्स. चलें जब तक हमारा नाश्ता आता है हम आपसे शेयर करते हैं अपना सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन एक्सपीरियंस. और आप सब कमेंट कर बताएं कि आप सबकी सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन हो गई है या नहीं, और अगर हो गई है तो आप सबका एक्सपीरियंस कैसा था. जैसा कि आप सबको इल्म होगा कि वैक्सीन के सेकेंड डोज के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हार्श होते हैं, तो इसीलिए हमें भी इस बार कंपेयर टू फर्स्ट डोज कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़े. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साइड इफ़ेक्ट्स वॉज नॉट दैट बैड, लाइक फीवर, डायरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट हमें एक्सट्रीम पेन इश्यूज हुए लाइक बॉडी एक, रिस्ट पेन और आर्म पेन अलॉन्ग विद लो एनर्जी. दो माई हस्बैंड वॉज रिकवर्ड विद इन 2 to 3 days, लेकिन फॉर मी इट टुक 8 to 10 days टू गेट कम्प्लीटली रिकवर्ड. बट आई थिंक दैट वॉज वर्थ इट बिकॉज बींग कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड इज क्वाइट नेसेसरी टू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड. So once we were done from Timmy's, we went back home, had some rest, and later that evening we came to PCA for Eid Bazaar. COVID से पहले Edmonton में हर साल Eid Bazaar और चांद रात बाजार लगता था, लेकिन last year in 2020 due to lockdown और COVID के बढ़ते हुए cases की वजह से PCA में Eid related या Independence Day of Pakistan related कोई भी function नहीं हुआ. अगर आप सब लोगों ने मेरा ईद उल फितर का व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि ईद उल फितर पे अल्बर्टा में लॉकडाउन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ईद उल अधा पर ऑल द रिस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड. सो ऑलमोस्ट आफ्टर एन ईयर, इन फैक्ट मोर देन अ ईयर, वी एडमिंटनियंस गॉट टू इन्जॉय ईद बाज़ार. तो फिर चले आए आप सबको भी एडमिंटन का ईद बाज़ार दिखाते हैं. आप लोगों ने देखा होगा मेरे हस्बैंड मेरे एंटर तो मेरे साथ हुए थे, लेकिन एज सून एज वो अंदर गए उन्होंने एक नज़र मारी और उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे मेरा तो कोई काम नहीं, इट्स ऑल फॉर द लेडीज़, तो मैं बाहर गाड़ी में वेट करता हूँ, तुम आराम से अपना घूम कर आ जाओ, टेक योर ओन प्रेटी टाइम. दीज टू लेडीज़ वर क्वाइट स्वीट. इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था जहाँ पर ये लोग ये मेहंदी सेल भी कर रहे थे और लगा भी रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लगवाई क्योंकि अभी ईद में काफ़ी टाइम था. दिस वॉज ऑन 3rd of July और ईद वॉज सपोज टू फॉल ऑन 20th of July.
As you can see the details on the screen, anyone from Edmonton interested can contact them. मैंने सोचा था मैं चांद रात को मेहंदी लगवाऊंगी लेकिन they were located in north and I was very busy on चांद रात. So this is organic cone, right? Organic cone. And how much is one? This is for $7. Okay. 25 grams and aftercare organic oil for $3. Okay. And how much you charge for the henna? $20 each side. $20 each side. Any design? Sorry? Any designs? It depends on the pattern. Pattern and length increase hoga, to charges will increase hoga. Got it. Okay? Thank you. I can explain you what message pe kya kya. Thank you. You're most welcome. Okay. Achha, ye aapke design hai? Okay. आप अलग लगाते हैं वो अलग लगाते हैं जी. ओ, अच्छा तो ये आपके डिजाइन है जी. अच्छा और आपके क्या चार्जेस हैं? सेम चार्जेस सेम. ओके तो ये आपका है. ओके थैंक यू. आप पर्सनली मसाज करती हैं? अच्छा घर पर जी. अच्छा क्या चार्जेस हैं आपके? $80. क्या रेंज है आपकी ज्वेलरी की? रेंज है पाकिस्तान और इंडिया. पाकिस्तान. ओके व्हाट इज द रेंज? क्या रेंज है आपकी? रेंज इज फ्रॉम 20 to 60. 20 to 60. ओके इंक्लूडिंग द बैंगल्स आल्सो? या. एंड यू विल बी देयर ऑन चांद रात आल्सो? चांद रात तो ना करें इधर मतलब. इसकी क्या प्राइस है? $70. And it's fixed. The price is fixed, right? Yes. Okay. This one, the price is fixed. Okay.
क्या बोले? जी ये था एडमिंटन का ईद बाज़ार। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, कीप स्प्रेडिंग लव एंड पॉजिटिविटी एज ऑलवेज। ऐसे लग रहा है जैसे कि धूम दे रहा है ना, लेकिन ये धूम नहीं है। नहीं, ये बेसिकली स्मोक है जो फॉरेस्ट फायर लगा है अल्बर्टा में रिसेंटली। स्मोक जो होता है वो किसी और रीजन से होता है, लेकिन ये एक्चुअल वुड जो जल रहा है, जो फॉरेस्ट जल रहा है, उसका स्मोक इधर माइग्रेट करके आया है। अल्बर्टा फायर और BC फायर? BC फायर्स एंड अल्बर्टा फायर जो मुझे सुनने में आ रहा है इस वक्त। वेदर वार्निंग भी आ रही थी, एयर विल नॉट बी दैट प्योर एंड फ्रेश। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इट इज क्वाइट लो एट द मोमेंट, क्योंकि जो एस्थमेटिक हैं या जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं दे शुड अवॉइड ब्रीदिंग। यू कैन लिटरली फील एंड स्मेल राइट? यप, अगर इफ यू कैन इमेजिन बर्निंग वुड दिस इज व्हाट इट स्मेल्स लाइक आउटसाइड राइट नाउ। Yesterday when it started, तो इतना ज़्यादा नहीं था, मुझे लगा जैसे कोई बारबेक्यू कर रहा है, चारकोल बारबेक्यू। हाँ वही चारकोल बारबेक्यू में भी वही वुड यूज होता है ना स्मोकिंग के लिए। तो इस वक्त नेचर फॉरेस्ट को बारबेक्यू कर रही है, क्योंकि तब इतना विजिबिलिटी नहीं थी ना इसकी। Yep. और सुबह से तो ऐसे विजिबल है जैसे पता नहीं फोग है, लेकिन इट्स नॉट फोग। हाँ, एंड इस स्मोक की वजह से टेम्परेचर भी काफी नीचे है इस वक्त। तो वो देखे वहाँ तो बिल्कुल जो है ना, वी कांट इवन सी द ट्रीज, लाइक धुंधले धुंधला नजर आ रहा है। You can see the in the distance. Allah Akbar. Allah Taala bas sabko apne zaman mein rakhe. Inshallah.